ਕਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਾ ਦਾ ਕੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਲਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਕਿ ਨਰਗਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਨਰਗਿਸ ਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਜਾਨਤ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਨਹੀਂ 300 ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। कान खोल के सुन लो गाय का पीने वालों, हम मुसलमान हैं, हमारे हाथ में झंडा है मौला अली की शुजात का, हमारे हाथ में झंडा है सैयदना उमर फारूक की शुजात और हिम्मत का, हमारे हाथ पे झंडा है शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की शुजात का। तुम्हारे हाथ पे झंडा नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। इस वजह से इस जोन में मत रहना, जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते। बुतों को पूजने वालों तुम नहीं रख सकते। पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम रखता है, ये एटम बम हमने शबे बरात पर चलाने के लिए नहीं रखा हुआ, और ना ही ये हथम मिसाइल गजनवी गोरी अब्दाली शाहीन ये मेहंदी की रस्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फाद शहबाज खान। बहुत सारे सहाफ़ियों ने टटोलने की कोशिश की और चौहान साहब से पूछा कि असल मामला हैं क्या, बेसिकली होता क्या है। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वाक्य सुनाया। चौहान साहब ने बहुत सारे सहाफ़ियों को बताया, जिसमें बड़े सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब मैं नया नया टीवी पे अपीयर होता था तो एक सूत्र मंडी के बड़े बुज़ुर्ग थे जिनको चौहान साहब मियाँ साहब कहते थे, और वो रोज़ाना उनको टेलीफोन कॉल देते थे रात 12 बजे के करीब, जब टॉक शोज़ का टाइम तकरीबन ख़त्म हो जाता, और वो उनके मदा थे, उनकी बहुत ज़्यादा वो बैकिंग करते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको तारीफ़ और तौकीर के अल्फाज से नवाजते थे चौहान साहब को, सूत्र मंडी के जो मियाँ साहब थे। और वो कहते थे, चौहान साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने बताया कि उस मियाँ साहब ने हमें बताया कि पुत्र जो मर्जी हो जाए तू अपना स्टाइल नहीं बदलना, ये लव्स थे कोट अनकोट। फिर उन्होंने कहा कि उनकी वफ़ात हो गई, तो वफ़ात के बाद मैं सूत्र मंडी रब्ता भी किया तो मुझे पता चला कि वो कई कई घंटों मेरे सारे उधर जितने भी उनके करीबी दोस्त थे उनके साथ बैठ के मेरे जो टॉक शोज़ थे उन पर बात करते थे, और उन पर हमेशा बात करते करते वो तारीफ़ें करते थे और कहते थे कि ये असल में जो चौहान साहब हैं ये तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छी मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं और अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं। ये तब के दौर है जब फैज़ुल हसन चौहान साहब नए नए टीवी पर अपीयर होना शुरू हुए और इमरान खान साहब भी उन्हें अपना टाइगर कह के मुखातिब करते थे, और उन्होंने बार बार यही कहा कि भाई मैंने स्टाइल अपना नहीं बदलना। ये तब की बात है जब मीडिया के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और समझने की कोशिश की गई, बहुत सारे साथियों ने उनसे जाकर पूछा कि असल मामला थे क्या, तो उन्होंने कहा मैंने अपना स्टाइल नहीं बदलना। तो जिसके नतीजे में ये आज के सारे मामलात और बहुत सारे लोगों की उनके बयानात से दिल आज़ारी भी हुई। एक ज़ैन कादरी साहब का मॉडल था तर्जमानी का, जो पंजाब में तर्जमानी फरमाते थे, और वो अग्रेसिव भी हो जाते थे लेकिन फिर भी किसी रखरखाव में रहते थे। उसके बाद जब उन्हें हटाया गया और मलिक अहमद खान तर्जमान लगाए गए, बड़ी रिसेंट पास्ट की मैं मिसालें दे रहा हूँ, तो बड़ी खूबसूरती से तर्जमानी की गई। जब तक मलिक अहमद खान जो हैं वो पंजाब के तर्जमान रहे तो अच्छी नस्तलीक और शुस्तगी से वो चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, खंदा पेशानी से वो मामला को लेकर चलते थे। एक सोलो इंटरव्यू हम उनके साथ कर रहे थे तो बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई लेकिन बड़े तहम्मुल से वो चीज़ों को लेकर आगे निकलते थे, डेडलॉक की तरफ चीज़ें नहीं जाती थी। लेकिन चौहान साहब के होते हुए चीज़ें डेडलॉक की तरफ भी गईं, और एट दी एंड इसका खमियाजा जो है वो हुकूमत को भी भुगतना पड़ता था, और जिस हुकूमत की ये तर्जमानी करते थे वो डैमेज होती थी, चौहान साहब से ज़्यादा डैमेज हुकूमत होती थी। तो ये वो सारे मौजूदात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी करेंगे, नवीद चौरी साहब आप पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब किस तरह से आप देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को, फैज़ुल हसन चौहान साहब की जो तब्दीली का मामला हुआ, क्या आपकी तरफ से रद्दअमल है, क्या सेंटीमेंट? मैं समझता हूँ लीडरशिप वही है जो राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे लेती है, और आज के टाइम के ऊपर ये जो आज डिसीजन लिया गया है मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से,
कि आज जो है वो बिल्कुल ये इन्होंने आज साबित कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान के अंदर जो आईन जो हक देता है हिंदू कम्युनिटी को वो बिल्कुल है, और आज पीटीआई की गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो भी उनके हकूक का तहफ़ जानती है और किसी किस्म के ऐसे एडवेंचर का जो है वो बिल्कुल एक्शन लेगी। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे, क्योंकि आज जब सुबह मेरी बात हुई तो लाजमी है मेरे ऊपर प्रेशर था कि आप इसको माफ कर दो फैजल चौहान के कुछ लोगों की तरफ से, मगर मैंने क्लियर कहा कि आपको हम सिर्फ इतना माफ कर सकते हैं कि आपने जिस किस्म के बयान दिए हैं आपके लिए तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ केस होने चाहिए, मगर अब हम केस नहीं करेंगे, मगर ये जरूर है कि आपको कम से कम अब स्पोक्स पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी का स्पोक्स पर्सन बैठ के इस तरीके की बात करे तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसको मैं माइनॉरिटी नहीं कहता, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, उसको इस तरीके से तजलील किया जाता है। और मैं समझता हूँ आज के प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के एक्शन ने ये साबित कर दिया कि नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर किसी भी किस्म की तजलील करने हम देंगे, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो इक्वल सिटीजन है वो इक्वल सिटीजन है और उनके हकूक का तहफुज करना हम जानते हैं। आज इस वाक्य को इस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर देखें कि इस तरीके से सारा जा रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिया की एग्रेशन के खिलाफ जो एक्शन दिखाया और आज फिर एक पुरमन मुआशरे का एक जो है वो मिसाल बना कि आज जिस तरीके से इन्होंने फयाज अल हसन चौहान के ऊपर, क्योंकि फयाज अल हसन चौहान की माजी में भी बहुत सारी गलतियां करता था मगर हर तरीके से उसको माफी मिल जाती थी, मगर आज जब इसने हिंदू कम्युनिटी की तजलील की तो माफी का कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे आखिर में प्रेशर था कि आप इसको माफ कर दें, मैंने कहा मैं समझता हूं नहीं मैं माफ करूंगा और नहीं प्राइम मिनिस्टर माफ करेगा, और यही हुआ कि और इस वजह से मैं दोपहर को ही मैंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था कि मुझे यकीन है कि आज सूरज से पहले शाम को 5 बजे से पहले जो है वो आज इसकी रेजिग्नेशन आ जाएगी, और आज इसकी रेजिग्नेशन आई है। मैं आपके चैनल की तफसीर से, मैं पंजाब गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, मैं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये अहम तरीन बात पूछनी है कि आप चूंकि बड़े जहां दीदा शख्सियत हैं, समझते हैं मामलात को, तो ये ज़ौके इंतखाब तो इमरान खान साहब का था, तो उनसे असेस नहीं हो पाए चौहान साहब, मिस असेसमेंट गलत हो गई उनसे? देखिए मैं समझता हूँ लीडरशिप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर जब भी फैसले होते हैं तो मेरिट जो है वो थोड़ी सी जरूर नजरअंदाज हो जाती है, पिक एंड चूज चली जाती है कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, और उसमें फैजल हसन चौहान की सिंसियरिटी जो है वो इन मुख्तलिफ धरणों के दौरान टीवी टॉक शोज के दौरान नजर आई, इस वजह से उसको स्पोक्स पर्सन रखा गया और इस वजह से उनकी काफी गलतियों को इग्नोर भी किया गया, मगर आज जब कम्युनिटी की बात आई, हिंदू कम्युनिटी की बात आई, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्शन लिया, मैंने भी उस चीज के ऊपर स्टैंड लिया, और जिसकी वजह से उसके नतीजे में ये आज फारग हो गया है और अब पंजाब को एक बहुत ही मुतबर और बहुत ही सीनियर सियासतदान, एक बहुत समझदार सियासतदान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए मिला है। मैं समझता हूँ आगे इससे जो है वो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए, अयाज अमीर साहब सीनियर तजियाकार है, दानिश्वर है, बड़े मारूफ डॉक्टर साहब। अयाज अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अयाज साहब, फैजल हसन चौहान साहब को घर भेजे जाने के हवाले से क्या सेंटीमेंट है, क्या इनपुट है आपकी? नहीं बस उनको वो चीजें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन कह दी तो फिर एक्शन जल्दी हुआ, उस पे को ले तो लाल तो नहीं हुआ ना कि उनकी गलती को पकड़ा और उनको काबीना से जाना पड़ा। वो तो जाने जाते थे कि काबीना के बड़े अहम आदमी है, हर वक्त और बे वक्त पे वो बातें करते थे, लेकिन उनको दरवाजा दिखा दिया गया है तो ये मेरे ख्याल काबिले सताइश, उनकी तरफ से काबिले सताइश चीज नहीं थी, लेकिन जो एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है वो जल्दी हुआ है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये ना ही वो कहते ऐसी चीज तो अच्छा था, लेकिन कुछ मेरे ख्याल उनका उनके बैकग्राउंड का भी मसला था, जो उनकी पुरानी सियासी वाबस्तगी थी उसके आदमी निकल भी जाए तो वो सियासी वाबस्तगी जो है उसके सीने से नहीं जाती, तो मेरे ख्याल उससे वो मारे गए, लेकिन चले जो हो गया बस हो गया, खत्म होगी। ऐसा मेरे साथ आप रहिएगा डॉक्टर रमेश साहब, अब क्या आप समझते हैं कि उनके हटाए जाने से
हिंदू बरादरी के जो जज्बात हैं, जो गमो गुस्सा उनमें पाया गया है, उसमें कोई बेहतरी आई है? हालात बेहतरी की तरफ गए हैं? काफी है, सफिशिएंट है घर भेजा जाना उनका? अब बयाज अमीर साहब जैसे सीनियर लोग बैठे हैं, मगर मैं समझता हूं कि इससे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज गया है कि एक ऐसा मिनिस्टर जिसकी गलतियां बहुत थी मगर उसको हर वक्त माफी मिलती रही क्योंकि वो पार्टी का एक अच्छा जो है वो सिंसियर बंदा था, मगर जब उसने हिंदू कम्युनिटी के हवाले से ऐसी बात की तो उसको कभी भी जो है उसको इग्नोर नहीं किया गया और उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, उसको मिनिस्ट्री से फारिग किया गया। और मुझे लोगों का प्रेशर था कि आप इसके खिलाफ केस करें, मगर हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ उसने माफी भी हमसे मांगी है, अब इसकी जो है वो वजारत से इस्तीफा चली गई है, ये एक मैसेज चला गया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में भी रही हैं या आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हैं, उनको भी एक मैसेज चला गया कि पाकिस्तान के अंदर अब जो कायदेजम का पाकिस्तान अगर वापस लौटाना है तो इसी माहौल को ऐसे ही आगे बढ़ाना है जैसे कायदेजम ने सोचा था कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो 11 अगस्त की स्पीच जो है उसका हिस्सा बनाते हुए एक दूसरे का ख्याल करेंगे, मजहब का एहतराम करेंगे और ऑल आर द इक्वल सिटीजन। डॉक्टर साहब मेरे साथ नवीद चौधरी साहब भी हैं। नवीद चौधरी साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी इनपुट क्या है और फेडरल में आप देखते हैं जो वजारत इतलात वो ठीक हाथों में है, बेहतर है, मौजू चल रही है या वो भी खतरे में? मुझे बहुत अफसोस हुआ डॉक्टर मेश की बातें सुन के कि किस तरह वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कुछ बातों के ऊपर और वो कहते हैं जी बहुत टाइम पे फैसला हुआ। मुझे तो मुनीर नियाजी साहब का वो शेर अशार याद आ रहे हैं कि एक तरफ मुनीर नियाजी साहब क्या कहते थे और इमरान खान नियाजी साहब क्या कह रहे हैं, जिसमें वो कहते थे हमेशा देर कर देता हूँ मैं, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत को और मौत थी से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी उस इसको जाके ये बताना हो, ठीक हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने से पहले। देखें उन्होंने दिल आजारी आज जो की वो तो एक इंतहा थी ना, इब्तदा तो उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन उन्होंने किसी को हज कराने की बातें की थी, शायद अब वो फारग हो गए और नरगस जो आर्टिस्ट है उनको जाके हज कराएं। कभी उन्होंने मीडिया को गाली दी, गाली अयाज मीर साहब की मुझे बहुत से प्रोग्राम याद है जिसमें वो कहते थे कि ये क्या तमाशा लगा के रखा होता है इन्होंने। बात यह है जिस बंदे ने पहले तरीके इंसाफ में एक दफ़े इनको पार्टी से निकाला गया, ये इलेक्शन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली निकाला गया, फिर उन्होंने कुरान के ऊपर वो बल्दियाती इलेक्शन की बात थी, कुरान सामने रख के एक वीडियो चलाई कि मैं कुरान पे ये कहता हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने कुछ नहीं किया, और फिर उनको माफ़ी दी गई और उन्होंने ऑन एयर आके माफ़ी मांगी। उस माफ़ी के बाद उनको आदत पड़ चुकी थी एक बात कहने की और दूसरे दिन माफ़ी मांगने की, और आज वो कहते हैं बड़ा टाइमली फैसला किया। मैं समझता हूँ ये बहुत लेट फैसला है, ये बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए था ताकि आज इस नहज पे हालात ना आते जिस नहज पे आज आ चुके हैं। आर्टिकल 36 के तहत माइनॉरिटी राइट्स हैं कि हर बंदे को कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का शहरी है। मैं समझता हूँ कि हमें अब इनके खिलाफ इनको इनको रेफरेंस पेश करना चाहिए एमपीए सीट ख़त्म करने का, वरना तो इनके ऊपर जो मुल्क के अंदर जिस जंग की सूरत के सूरत हाल है जिस तरीके से हल किया है उस पर ट्रेजर का केस बनता है, जो इन्होंने जज्बात उभारे और एक ऐसी तफरीक डालने की कोशिश की मुल्क के अंदर कि जो सारी अपोजिशन सारी पार्टियाँ हर बंदा ठीक एक पोजिशन पे था कि हमें इतिहाद दिखाना है, मुतहदा दिखाना है, ठीक और आप उसके अंदर ये कर रहे हैं तो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते थे मैंने माफ कर दिया। भाई आप कौन है माफ करने वाले? आप एक इंडिविजुअल हैं तरीके इंसाफ के अंदर, लेकिन जो लोग इस वक्त हैं माइनॉरिटी के जो दिल आजारी हुई है वो माफ करने को तैयार नहीं है। मेरी पार्टी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनसे ज्यादा जिनकी सर्विसेज हैं इस कम्युनिटी के लिए, खाली इसी में नहीं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं और से हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें इस रवज को चेंज करना चाहिए कि हमें अपनी सिर्फ मजाक रसाई करके ये कह रहा कि जी मैंने माफ कर दिया वरना मैंने केस करना था। भाई आप कौन है? यू आर एन इंडिविजुअल। इसका जवाब ले लूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मैं इससे पहले के डॉक्टर साहब इससे पहले जवाब लूं, डॉक्टर मजर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं, उनका पॉइंट भी ले लें। देखिए बात सिंपल में ये है कि मैं समझता हूँ कि हर मजहब जो है वो माफी की
जो है वो माफी को एक प्रायोरिटी देता है। और आज भी जब इसके ऊपर इसकी वजह से मुझे बहुत प्रेशर आया माफी के लिए, तो मैंने ये जरूर कहा कि हमारी तजलील हुई है, मगर ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो ऐसे जो लोग ऐसे हालात में करते हैं, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल माफी दी है एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हम आपके खिलाफ वो रेफरेंस या वो ब्लेस्यूमी उस तरफ नहीं जा रहे हैं। आप एक ग्रुप को नुमाइंदगी करते हैं, सारी हिंदू बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते आप? नहीं देखे, बात यह है कि आप एक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं और वो भी तरीके इंसाफ के ग्रुप की। चलिए सर, तो पॉइंट ये है डॉक्टर साहब के एक इंडिविजुअल कैसे माफ कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है और उसके ऊपर लाजमी है मैंने अपनी कम्युनिटी से, और अभी तो उन्होंने फवाद चौधरी पे एक्शन लेना है जो अभी ड्यू पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करेंगे, उसकी भी माफी मांगेंगे आप उनसे? उसके लिए मैंने अपना एक्शन लिया है, उसको मैं आज भी कहता हूँ कि ऐसे बंधु को फारिग होना चाहिए, ये हमारी पार्टी, मगर मैंने इसके लिए जो एक्शन लिया है और आज जो पार्टी के साथ जो आज मुझे याद है आप कहते थे कि फवाद चौधरी जैसे बंदों को भी इस्तीफा से लेना चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ। हाँ, मैं तो आज भी कहता हूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कहता हूँ कि फवाद चौधरी हो, फैसल वाडा हो, जो जो मजहब को, मैं यही बात सुनना चाहता हूँ, रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, मैंने यही बात सुननी थी आपसे, क्योंकि आप अपने स्टांस पे रहे, क्योंकि पहले आप स्टांस से हट रहे थे, मैं इसलिए बात कह रहा था। ये नहीं, मैं फवाद चौधरी हो, फैसल वाडा हो, जो भी हो, मैं इस हवाले से क्लियर हूँ, जो भी मजहब को बीच में लेके आता है, जिसको तमीज और तहजीब, जिसकी तरबियत सही नहीं है, उसको कम से कम वजारत के ऊपर नहीं होना। थैंक यू, आपने मेरी बात को सेकंड किया डॉक्टर साहब। इसका मतलब है कि लेकिन वो जो बात तो इधर ही रहेगी कि आप एक इंडिविजुअल की तरह सबको माफ कैसे फिर कर सकेंगे? नहीं नहीं, मैं चीफ हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का, कम्युनिटी का एतबार मेरे ऊपर है। आज अगर मैंने रेजिग्नेशन की बात की, सारे बोल रहे थे हमारे एमएनए के हम माफ कर दें, मगर मैंने कहा नहीं, जिसके ऊपर मैंने स्टैंड लिया, आज भी मैं कहता हूं कि मैंने माफ किया है और मैं आगे केस में नहीं जा रहा हूं और कोई नहीं जाएगा। मैंने जब कह दिया मींस फाइनल है डिसीजन, नो प्रॉब्लम। मतलब एज ए एमपीए वो चलते रहे साथ, तो नो नहीं, नहीं कहां चले गए वो? समझता हूं उसने माफी मांगी है, मैंने उसको माफ किया, कम्युनिटी मेरे पीछे है, मेरा जो कम्युनिटी की तरह थोड़ा रेफरेंस होगा, ये स्टेट की बात है जी, कम्युनिटी का रियासत की बात है, कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, इसको रेफरेंस, ये इंफरादी रेफरेंस नहीं होता था ना, किसी इंफरादी वजह से रेफरेंस आता है, रेफरेंस जो होता है कलेक्टिव बेस पे होता है। डॉक्टर मजर साहब, आपका पॉइंट। जी मैं जो है यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिलेक्शन ही गलत थी, बेशुमार और भी सिलेक्शंस गलत हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये तो एक बहुत ऑब्वियस थी, और शुरू दिन से ही जिस तरह के नफरत अंगेज जुमले वो मीडिया पर आकर कहते थे, और नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, तो इनको तो बहुत पहले से ही इस पर एक्शन लेना चाहिए था। आपने अभी अपने जो है प्रेस क्लिप्स में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल्चर और इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री यूजली इकट्ठी होती है, और अब इस तरह की जो मिनिस्ट्री पर बहुत ही शाइस्ता नफीस आदमी को लगाना चाहिए, और यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि एक बहुत ही बाजारी जबान जो है वो मीडिया पर इस्तेमाल हो रही थी और उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा था। शायद तहरीक इंसाफ के जलसों से ये जबान जो है उनके वज़रा की जो है वो रोज़मर्रा की जबान बन गई थी, लेकिन ये इनकी ये जो मिनिस्टर साहब थे इनकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल काफ़ी अरसा से असेंबली के अंदर, और मैं देख रहा था कि वो ख़त्म हो चुकी है। अभी पिछले दिनों पंजाब असेंबली में सहाफ़ी बरादरी ने बाइकॉट किया, तो हमारे एक एक्स मिनिस्टर ने उठ के कहा स्पीकर साहब को कि देखें वो प्रेस जो है वो बाइकॉट कर गया है, तो देखें क्या वजह हुई है। तो चौहान साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा स्पीकर साहब मैं जाके देख के आता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो स्पीकर साहब परवेज लाई ने कहा कि चौहान साहब प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें, आप जो एक दो बंदे रह गए आपके जाने से वो भी चले जाएंगे। तो ये तो इनकी हालत हो गई थी, लेकिन ये जो फैसला जो रमेश साहब कह रहे थे कि बड़ा बरवक्त किया, मैं समझता हूँ ये बहुत देर कर दी। हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो नफरत के बीज बोए हैं इन्होंने, और जिस तरह के यानी अब आज तो खैर इंतहा थी, लेकिन एक ऐसे शख्स को जिसको सोसाइटी का हमारी कलेक्टिवली पता ही नहीं है कि इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनकी कलेक्टिव फॉर्मेशन कैसे है, और हमने किस तरह उनको जो है वो स्टेट में रिप्रेजेंट करना है, और जिसकी जो है बैकग्राउंड नॉलेज इतनी पुअर है कि उसको जो है वो एक चौहान साहब को आपने देखा होगा कि जब बात करते थे तो आंखें बंद कर लेते थे, मेरा ख्याल है आंखों के अलावा वो अपने कान भी बंद रख लेते थे कि जो बोलते थे मेरा ख्याल उनको खुद भी नहीं सुनाई देता था। तो इस तरह की जो जो बदहवासियाँ हैं और इस तरह की जो ग्रेव मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, इससे जो है वो हमारी जो है इमेज जो है ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क ख़राब होता है, हमारे बच्चों के सामने जो हमारे बच्चे जो टीवी पर आते हैं वो देखते हैं कि ये किस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो रही है पंजाब हुकूमत की,
اور انٹرنیشنلی بھی. اور یہ تو زبان زدے جو تھا وہ خلقے جو تھا وہ کیا کہتے ہیں وہ تھا, اور ایز یو سو سوشل یو ریپ, اور جو ہے وہی والی بات ہوئی کہ جو بیچیں گے وہی آپ کاٹیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مکافات عمل تھا, اور ان کا جانا جو تھا وہ بڑی دیر سے ٹھہر گیا تھا, آج جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں چلے گئے, تو وہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ذرا بڑی بن گئی. لیکن ان کا جانا جو ہے میرے خیال میں ٹھہر گیا تھا, جس طرح کے اور بہت سے جو ہیں عہدیداران جو ہیں ان کا جانا بھی ٹھہرا. ایاز میر صاحب, آپ نے نوید چوہری صاحب کی گفتگو بھی سنی, جیسے فرما رہے تھے کہ انڈیویجول اگر معاف کرتا ہے تو یہ اسی طرح کیا چلے گا, اور فیڈرل میں اطلاعات سے آپ خوش ہیں, وہ ٹھیک چل رہا ہے معاملہ؟ ایاز میر صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بحث کس چیز کی ہو رہی ہے. فیاض الحسن چوہان کو وزارت سے ہٹا دیا ہے یا نہیں ہٹایا؟ یا تو نہ ہٹاتے پھر تو بات بنتی تھی, ہٹا دیے پھر بھی اعتراض کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیر ہو گئی ہے, پہلے نہیں کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا. یہ جو پچھلا دور, یہ جو اتنا مائنورٹیز کا جو ہمیں جو دکھ اور ہم جو خون کے آنسو اب رو رہے ہیں, کتنی بار ایسے ہو چکا ہے. سینٹ جوزفز کالونی لاہور میں کیا ہوا تھا, کوجرا میں کیا ہوا تھا, سانگلا ہل میں کیا ہوا تھا, وہ جو قصور میں دو کو جلا, وہ زندہ کو پٹھے میں ڈال دیا تھا, وہ ہم سارا کچھ کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو گورنر مارا گیا تھا, اور پیپلز پارٹی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی الفاظ بھی سمپتی کے ادا کر سکے. تو کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو کریکٹ کر لوں ایاز بھائی, پیپلز پارٹی نے پورا دلیری سے اور جوان مردی سے اس کا فیصلہ کیا, اور سب چیزیں ہم نے کی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, ایک تو بات ہے, جب شہباز بٹی کو ہم نے لائے, وہ بھی آپ کو اسی کا حصہ یاد ہونا چاہیے. ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ. میرے ساتھ رہیے ایاز میر صاحب, میرے ساتھ رہیے, شارٹ بریک ہے جی, ایک گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے.